नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूत्रा। पानीपत जिले में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसी की गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला था। पिता ने बपोली थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है और मामला दर्ज करा लिया गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम को सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी सूचित कर दिया गया है। टीम ने मृतक की कार व मौके का मुआयना कर अहम सबूत जुटा लिए हैं। मृतक दो भाई व एक बहन बताए जा रहे हैं। रात को 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से, रोहित नाम का लड़का ब्रॉड डेड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहां मौके पे पहुंचे, वहां देखे तो ये ब्रॉड डेड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। काउज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या? कारण तो अभी बाद में पता लगेगा इसका, पोस्टमार्टम के बाद। इस पर गोली लगने का निशान है छाती में। देखो ये इस बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन जा रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे। कितनी गोली लगी सर? एक। ठीक है सर, क्या नाम आपका? एसआई कृष्णलाल। ठीक है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।